फरीदकोट के कोटकपुरा निवासी सिमरजीत सिंह ने दूसरे किसानों के लिए मिसाल पेश की है। पीएचडी और ट्रिपल एम ए पास सिमरजीत सिंह ने नौकरी को तवज्जो ना देते हुए पारंपरिक फसल चक्र को छोड़कर उन्होंने अपना एक ऑर्गेनिक बाग तैयार किया है, जिसमें 35 से ज्यादा फलदार पौधे लगाकर खुद भी उनका स्वाद चख रहे हैं। इतना ही नहीं, दूसरों को भी उनका स्वाद चखा रहे हैं। अनोखी बात यह है कि बाग के पत्तों और रसोई की वेस्टेज से भी खाद तैयार कर रहे हैं, ताकि रासायनिक खादों से बचा जा सके। किसान सिमरजीत सिंह के खेतों में फलों का राजा कहे जाने वाले आम की 7 किस्मों के अलावा सेब, चकोतरा, किन्नू, हल्दी, काली मिर्च, खजूर, अनार, सीताफल, लक्ष्मण फल, अमरूद, माल्टा समेत कई तरह के फल उग रहे हैं। मैं ट्रिपल एम ए है तो PhD है फिलोसफी थियोलॉजी। इन्ना क ज़्यादा फल जड़े है अभी कई बार सानू भी गिणती भुल जाती है, मतलब 35-40 किस्म के फल है, जिन्हों चो मेन तुहानू मैं दस दा भी मेरे को अखरोट आ, बदम आ, लीची आ, सीताफल आ, चीकू आ, अंब दियाँ 6-7 नस्ल है, ड्रैगन फ्रूट है, तो अमरूद दियाँ 4-5 वरायटियां है, बहरलियाँ वरायटियां, अंब दियाँ भी बहरलियाँ वरायटियां है, ऐ खुरमानी हैगी आ, तो बहुत इस किस्म के फ्रूट है जोड़े अखरोट लगे हुए आ। ये चकोतरा है या ग्रे फ्रूट कहने, बहुत ये भी मतलब मरेकलस फ्रूट है, ये बहुत एंटी ऑक्सीडेंट है, तो बॉडी नूं डिटॉक्सीफाई करता, फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा है जे ये सेहत वास्ते बहुत ज़्यादा मतलब गुणकारी आ। जिहड़े असीं कीवी जां तुसीं ड्रैगन फ्रूट खाने उन्हां दे ये मुकाबले च उदों भी गुणकारी फ्रूट हैगा, सिट्रिक्स आ, तो वह सारिया बीमारियों वास्ते भी यूज होंदा। इदों बिना असीं कीवी भी, लोगन फ्रूट भी, ब्लूबेरी तक भी असीं एक्सपैरीमेंट कर रहे हैं, तो बड़े मतलब इहो जिहे फ्रूट्स ते साडे एक्सपैरीमेंट भी चल रहे, तो बड़े असीं सफल भी किए। पंजाब च दुआबे अंब कहा जाता भी, दुआबे च अंब बहुत होंगे आ। मेरे को मतलब इतने सारी किस्म के अंब जे भारत के अंब आ, जिमें चौसा, लंगड़ा, जा फजली, जा होर वरायटियां, वह तो है ही है, बहुत वधिया कामयाब हुई हैं। इदू बिना जिहड़ा ये मेरे हाथ च अल्फांसो आ, अल्फांसो मैंगो का फ्रूट है, ये मेरे को हाफ राइप्ड फ्रूट आर, तो अल्फांसो मेरे को जो रत्नागिरी महाराष्ट्र का सोना है, जो अमेरिका कनेडा च सारे बाहर जा रहा इंडिया तो, वह मेरे को पूरा वधिया सफल हो रहा, इतों मैं वेच भी रहा है। इदू बिना जोड़ा मियाँ जाकी आ, बहुत महंगा जोड़ा जापान का फल आ, लखा की मतलब जिंद कॉस्ट हैगी, मेरे को कामयाब आ। इदू बिना नैमडॉक मई भी जापान का फ्रूट हैगा अपना अंब का, वह मेरे को कामयाब आ। अपना हिमसागर अंब आ, वह जी अपने लंगड़े अंब तो ही गांह वरायटी तैयार की, 700-800 रुपए किलो विकता, वह मेरा भी बहुत वधिया इतों विक रहा है। तो अल्फांसो केसर अंब आ, जोड़ा अल्फांसो टक्कर देने वाले अंब, वह सारे मेरे को कामयाब, 1500-1800 रुपए किलो यदी कीमत हैगी इंडिया च, तो असी हजे जान के इनू थोड़ा जहा घट रेट से मतलब 700-800 रुपए किलो वेच रहे हैं, पर सानू लोग ये कह रहे हैं भी तुसी इनू पूरे रेट से सानू दियो, भी असी चंडीगढ़ तो या दिल्ली चो ये फ्रूट मंगाने है, जोड़ा पंजाब बहुत घट आता तो खाने, पर सानू टेस्ट नहीं उन्ना वधिया मिलता जिहड़ा तुहाडे मतलब फ्रूट का टेस्ट हैगा, जिन्ना वधिया दा टेस्ट आ। तो असी जा मतलब मेरे को 100-150 किलोमीटर तो लोग स्पैशली गड्डिया से चल के फ्रूट लैन आते, प्लांट्स लैन आते। होर तुहानू मैं एक गल दस दिना भी जिहड़े फ्रूट वालिया शॉप्स वाले है, मैं तुहानू दस रहा भी वह ना मेरे को घरों आके जिन्हों दियां बहुत वड्डियां वड्डियां फ्रूट्स दियां शॉप्स आ, वह आपदे घर खाण नूं मेरे को फ्रूट आके ले जांदे भी तुहाडा फ्रूट ऑर्गेनिक नहीं रहियां, स्प्रेयां जिहड़ियां वह आपदियां तैयार कीतियां हुईआं साडियां कुदरती वख वख जड़ी बूटियां तो, जां जिहड़े असीं कुछ कु तत् आ जिहड़े जरूरी आ, जिवें गंधक आ, पोटाश आ, जां वह असीं तत् दी इदूं बिना असीं मेन साडे कोल आ वर्मी कंपोस्ट आ, खल दी खाद आ, पत्तियां दी खाद आ, जां जिहड़ी स्प्रे आ, स्प्रे भी असीं निम, धतूरा, अक, कुवार, इहो जिहियां चीज़ां तों असीं स्प्रे बनाने, लस्सी तो स्प्रे बनाने है, जां एक जिहड़ी कमाल की चीज़ साडे कोले है जिहदी असीं मैं बहुत खेत नाल कहिंदा भी जिड्डी बेकदरी असीं कीती आ उस चीज़ की, तो वह बहुत मीनिंगफुल चीज़ आ, वह आ वेस्ट, रसोई की वेस्ट आ, जिहड़ी साडे दरख्तां दे पत्ते आ, साडा घाह आ, वह सब तो वधिया खाद आ। तो जिवें तुसीं बाहरले सारे मुल्कां च देखदे आ भी उन्हां वास्ते स्पैशल डस्टबिन हरेक घर च लगे हुए आ, तो वह मतलब कलैक्ट करके सरकार उन्हां नूं ले जांदी आ, प्रोसैस करदी आ, खाद बनाउंदी आ, तो लोगों मतलब घट कॉस्ट ते दित्ती जांदी आ। असीं उह आप कर रहे हां, मेरे वास्ते कल्ला फ्रूट कीमती नहीं गा जां प्लांट कीमती नहीं गा, मेरे वास्ते पत्ते भी कीमती आ, मेरे वास्ते घाह भी कीमती आ। असीं मतलब कुछ होटल जां जिहड़े वो
ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੇਸਟ, ਉਹ ਖਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਦੀ ਵੇਸਟ ਥਾਂਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪੱਤੇ ਮੈਂ ਬਾਗ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੇਬਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਡੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਰੂੜੀ 'ਚ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਾੜ ਪਰਾਲੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੰਡੋਏ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਐਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਲਿਆ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੇਬਾਂ, ਸੇਬ, ਅੰਬ ਜਾਂ ਬਦਾਮ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਖਾਧਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਜੰਗਲ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦਰਖਤ ਘੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਦਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਵਾਈਏ।